सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम है आपके अपने चैनल जेड एक्स से वारी पर। तो जी हाँ गाइस, वापस आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोगों ने हमारी पिछली बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा कि हमको अपने आईडी कैसे अनबैन करनी है, क्या कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आप सभी लोग देख पा रहे हैं यार। और मैं ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आप लोग अपनी आईडी को वापस लाने के लिए पूरी जी जान लगाते हैं, जैसे भी तरीके से हर तरीके को ट्राई करते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। जी हाँ गाइस, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की हर वो फीलिंग्स जो आप लोगों की आईडी से जुड़ी हुई है। आप लोगों ने अपने आईडी को बढ़ाने के लिए हर एक इवेंट में जो पैसा लगाया, जितनी भी मेहनत लगाई है, हर एक एक लेवल को बढ़ाया है, वो सभी इमोशंस जिस प्रकार से हमारे साथ इस आईडी के साथ जुड़े रहते हैं, वो सभी चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ यार कि आप लोगों ने इतना ट्राई किया होगा, अपनी हर एक तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया होगा कि हमारी आईडी वो अनबैन हो जाए। बट हाँ, मुझे पता है यार गाइस, बहुत तरीके अपनाने के बाद भी आप लोगों का हर एक प्रयास ना सफल हुआ होगा। बिल्कुल भाई, आप लोगों में से कोई भी कामयाब नहीं हुआ होगा कि हाँ आप लोगों ने आईडी अपने अनबैन कराई होगी। क्योंकि बहुत सिंपल से रीज़न है यार, गैरेना ने अपनी जो भी पॉलिसीज़ को अपनाया है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, भाई मैं समझ रहा हूँ यार, आप लोगों ने हर एक एक इवेंट में जितना पैसा जोड़ जोड़ के, आप लोगों की हर एक वो फीलिंग्स से जुड़ी हुई है हर एक इवेंट से, वो ग्लू वॉल, वो गन कलेक्शन, वो ड्रेस, मतलब हर एक चीज़, जितने कॉस्ट्यूम से लेके ड्रेस कोड से लेके हर एक चीज़, जितने भी भाई बंडल्स हैं, वो कितने मुश्किल से आप लोगों ने निकाले होंगे, मैं समझ रहा हूँ। और फाइनली वो सभी हमारा एक दिन में हमारी एक ही गलती के कारण सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और सिर्फ वो गलती रह जाती है हमारे पास, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज़ जो हमारी पूरी आईडी, पूरी मेहनत को बर्बाद कर देता है, तो वही प्रॉब्लम जो है मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो यार मैं आप लोगों से बोलूँगा कोई फ़ायदा नहीं यार, लिटरली बता रहा हूँ, इतना मेहनत, इतना पैसा, और यार ये सब चीज़ तो ठीक है, आप लोगों ने अपनी आईडी को बढ़ाने के लिए जो इतना सारा ढेर सारा प्यार दिया होगा, अपनी उस आईडी को बचाने के लिए, अपनी उस आईडी को बढ़ाने के लिए, तो यार वो चीज़ आप कभी वापस नहीं ला सकते। क्योंकि यार देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी उस आईडी के लिए जी जान लगाया होगा, जहाँ पर भी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ हर एक गेम प्ले आप लोगों को याद रहता होगा कि यार मेरे पास ये आईडी थी, ये बंडल था, ये गन कलेक्शन था, लेकिन आज आपके पास जब वो आईडी नहीं रहती है ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को कैसा फील होता होगा। यार इंसान तो मतलब इतना तक कर लेते थे कि बड़े बड़े, भाई मैं तो कोई छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ जो कि आप लोगों की सहायता से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन गाइस लोग तो इतना कर लेते हैं कि हर तरीके से बड़े बड़े यूट्यूबर से लेके गैरेना के मॉडरेटर तक पहुंचा देते हैं बात, लेकिन हाँ आईडी अनबैन नहीं होती है। जी हाँ गाइस, पूरी मेहनत हमारी बेकार हो जाती है। तो आप लोगों से भी बस एक ही गुजारिश करूँगा यार, मत करो, लिटरली मत करो यार, कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है, नॉर्मल फेयर गेम प्ले खेलो। और यार मैं जानता हूँ हर एक वो बंदा जो गेम प्ले खेल रहा है, वो किसी प्रो प्लेयर से, वो भी हर एक बंदा के अंदर भाई जो बहुत लगन से गेम खेल रहा है, तो भाई वो बंदा भी राइस्टर और भाई बीएनएल जैसा गेम प्ले कर सकता है यार, कुछ बड़ी बात नहीं है यार। आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास गन्स नहीं होती, गन कलेक्शन नहीं होता, कपड़े नहीं होते, बट स्टिल यार उनका गेम प्ले नेक्स्ट लेवल का ही होता है। तो यार मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो भी कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो, तो यार अभी भी संभल जाओ, मौका है यार, क्योंकि आईडी जाएगी ना तो उसके बाद आप लोगों के पास कोई मौका नहीं होगा। तो बस एक बार संभल जाओ, अपने सभी इमोशंस को बचा लो यार, अपने आईडी को बचा लो, जैसे तैसे बचा लो, बस एक गलती मत करो यार, फेयर गेम प्ले खेलो यार, मैं 100% बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। आईडी में आज तक आप लोगों ने देखा कि आईडी रखे रखे बैन हो गई है, नहीं होता है, ठीक है, भले लोग बोलते हैं भाई मैंने कुछ किया नहीं, अगर आप अपने दोस्त को भी दे रहे हो, दोस्त ने कुछ यूज़ कर लिया, तो यार ये सब चीज़ों से बेटर है कि आप कुछ भी यूज़ ना करो, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि फेयर गेम प्ले खेलो यार। एक ई स्पोर्ट प्लेयर देखो यार, मैं सच बता रहा हूँ, एक ई स्पोर्ट प्लेयर देखो, उसके पास गेम का तरीका भी होता, हर एक चीज़ होती है, और
फाइनली उसके साथ कभी ऐसा कोई केस नहीं होता है। और याद रखना भाई, नाम उसी का होता है जो फेयर गेम प्ले खेलता है। बड़े बड़े हैकर आपके सामने आ जाएंगे लेकिन उनका नाम नहीं होगा भाई, फेयर गेम प्ले जो खेलता है सिर्फ उसका नाम होगा। मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि यार कुछ भी ऐसा यूज़ मत करो, अपने आईडी को बर्बाद मत करो, अपने उन फीलिंग्स को बर्बाद मत करो। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।